2022 की चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है और चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और हम लोग अभी गंगोत्री विधानसभा में हैं और जो कि हम लोग एक चाय के दुकान में हैं और काफ़ी लोग यहां पे हैं, क्षेत्र के लोग हैं और गंगोत्री विधानसभा के लोग हैं और जो कि चाय पे अक्सर चर्चा होती रहती है। और आइए जानना चाहते हैं इनसे कि इनके किस प्रकार के मुद्दे हैं और जो आने वाला जो 2022 का चुनाव है सिर्फ एक माह बचा हुआ है तो उसमें लोग किस प्रकार वोट करेंगे और किस तरह से अपना मत का प्रयोग करेंगे और किस प्रत्याशी को आगे देखना चाहेंगे। जी आप यहाँ बुजुर्ग हैं और किस तरह का आप देखते हैं इन 5 सालों में क्या क्या हुआ? 5 सालों में नहीं, यहाँ तो ऐसा है ना, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, ये तो चलता रहता है जी। लेकिन यहाँ गंवाना जो फैक्ट्री है हमारी, ये तब से बंद पड़ी हुई है, यहाँ पे वहाँ पे रोल रिटायरमेंट आ गए जी। हमारे यहाँ से कम 100-150 लोग वहाँ नौकरी करते थे, जो रिटायर आ गए फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। फैक्ट्री खुलती है तो वहाँ 100-150 और बच्चे भरते ना जी, लोगों को रोजगार मिलता। गढ़वाल में विकास निगम किए हो तो ये रोजगार किसने छीना है? तो सरकार ने छीना तत्कालीन सरकार है, क्यों बंद कर दी भगवान जाने। अच्छा, काफी साल हो गए, बहुत साल हो गए इसको। अच्छा, किस मुद्दे को लेकर आप इस बार जो चुनाव है कुछ नाराजगी है? इन 5 सालों में जो कुछ वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया, कितने खुश हैं? हम तो खुश हैं जी। खुश हैं जी। अच्छा, किस मुद्दे को लेकर आप जो अभी तक वोट करेंगे? हम वोट करेंगे सबसे पहले हमारे जो वो है हमारे रोड की समस्या है, रोजगार। अच्छा, किस पार्टी ने अच्छा काम किया है? कांग्रेस ने, भाजपा ने, आम आदमी पार्टी भी आ गई है। हाँ, हमें तो जो पार्टी रोजगार दे, हमारे लड़कों को रोजगार दे, बेजुल बच्चे घूमे नहीं उनको रोजगार दे, हमारा मुद्दा तो सबसे पहले ये है। अब हमने हमारे बच्चे रोजगार नहीं होगा, हमारे घूमेंगे तो ये सबसे बड़ी मुद्दा है, रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा है। इन 5 सालों में सरकार ने कुछ किया है कुछ बताएंगे? हुआ तो बहुत कुछ है यहाँ, ऐसी बात तो नहीं है। देखो पहले ज़माने में जब कांग्रेस के टाइम पे जो काम ऑल वेदर का रोड तो था ही नहीं, वो जब मोदी आया मोदी जी के द्वारा तब ये जब ऑल वेदर हुआ, तो अभी ये सेंसिटिव जोन के चक्कर में ये रुका हुआ है यहाँ हमारे उत्तरकाशी ऊपर, नहीं तो शायद आज तक ऊपर तक बन जाता ये, तो शायद बनेगा। और अभी आप यहाँ उत्तरकाशी से नीचे चले जाओ कितना अच्छा रोड है, वो सब उसकी कृपा है मोदी का, नहीं तो पहले कभी बनता ही नहीं था ऐसा रोड। क्या इस बार वोट किस उस पे देंगे? विकास के? विकास तो है ही है सर। किसको देंगे? हम इसी को देंगे, बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ, कमल के फूल खिलाएंगे फिर। अच्छा, आप किसको देंगे अभी? कमल के फूल को। कमल के फूल को? हाँ, उसको खिलाएंगे। हमारे साथ जो नाला जी हैं जो दुकान की चाय चलाते हैं, अक्सर लोग आते हैं तो जानना चाहते हैं कि किस तरह के अभी तक जो चुनाव के जो अब शुरू हो चुका है तो क्या आप लोगों की मंशा है, किस तरह से आप लोग देखते हैं कि 2022 चुनाव किस पार्टी को अधिक मत पड़ेंगे गंगोत्री विधानसभा? पार्टी तो भाजपा ठीक है जी, लेकिन जो ये हमारे यहाँ के प्रतिनिधि बनते हैं ये कोई काम के नहीं होते। अच्छा, भाई ये काम ही नहीं करते, जब कोई इसको पद मिल गया तब तो नमस्कार भी नहीं देते। अच्छा, ये रोना इस बात का है। अच्छा, किस पार्टी को आप पसंद करते हैं? हम तो भाजपा को करते हैं पसंद, बहुत पहले जनसंघ से, आज से नहीं जनसंघ से। अच्छा, एक अन्य हमारे साथ हैं, आइए जानना चाहते हैं कि जो इन 5 सालों में कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, आने वाले समय में आप जैसे 2022 का चुनाव है किस तरह का दिखते हैं? ये तो मिला जुला रहेगा क्योंकि 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, ये तो विकास के नाम पे तो हमने, मैं बोल रहा पहले भी बात की थी कि 62 की लड़ाई से जो है ये अभी तक इतनी रोड है और यही है अभी। अच्छा, एक और पार्टी सामने आई है गंगोत्री विधानसभा में, आम आदमी। वो भी पार्टी है, वो भी पार्टी वाले हैं जी, वो भी पार्टी नहीं, वो भी अब देखेंगे उनका विकास क्या होता है तब उनको बोलेंगे। अब दिल्ली की बात रही और उत्तराखंड की, कहाँ दिल्ली कहाँ उत्तराखंड, वहाँ भी हम सुन रहे हैं कि ऐसी हवा चल रही है, तो देखते हैं वो भी पार्टी कैसी रहती है। हाँ, ये थी यहाँ पे जो गंगोत्री विधानसभा में नैताला क्षेत्र में हम लोग हैं और जो सभी लोग चाय की दुकान पे एकत्रित हुए हैं और इन्होंने अपनी बात साझा की है। अब देखना होगा कि 2022 में किस तरह का माहौल बनता है। उत्तरकाशी से एबीपी गंगा दिग्विजय विष्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।